ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सखियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ के कंदरापुर थाना क्षेत्र के मंदुरी हवाई पट्टी के समीप रोडवेज बस और कार की आमने सामने टक्कर में कार सवार पति पत्नी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उपचार के लिए ले जाते समय रास्ते में बेटे ने भी दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बुढ़नपुर तहसील के भीलमपुर छपरा गांव निवासी हृदय सिंह CRPF के जवान थे। वे शहर में ही अपने परिवार के संग रहते थे। श्रावण मास में बाबा वैद्यनाथ धाम का दर्शन करने के बाद वे अपने घर पर पूजा पाठ कराने के लिए गुरुवार को कार से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गए हुए थे। पूजा पाठ संपन्न होने के बाद गुरुवार देर रात 10 बजे परिवार के साथ कार से वापस शहर लौट रहे थे कि रात करीब 11 बजे मंदरी हवाई पट्टी के समीप सामने से आ रही रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। आमने सामने हुई टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार हृदय सिंह और उसकी पत्नी रंभा देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 20 वर्षीय पुत्र सौरभ सिंह को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जा रहा था कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कल रात 1 अगस्त 2019 एक रोडवेज गाड़ी गाजीपुर डिपो का गाड़ी आजमगढ़ से लखनऊ आ रहा था। उस समय एक स्विफ्ट डिजायर का गाड़ी आमने सामने आके एक बहुत गंभीर दुर्घटना हुई। इसमें 3 लोगों का बहुत गंभीर चोट हुई थी। इसमें एक हृदय सिंह और रंभा सिंह दोनों को मौके पर मृत्यु हो गई और एक सौरभ का बहुत गंभीर चोट हुई थी, उन्होंने हॉस्पिटल में मृत्यु। इसमें बस मौके पर है सर। किस लापरवाही से मतलब एक्सीडेंट हुआ है सर? वो चीज़ मुकदमा दर्ज हुए, वो चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो जांच चल रही है, अभी जांच के बाद पता चलेगा। बस का ड्राइवर फरार है सर? हाँ, बस का ड्राइवर फरार है, बट बस ताने पे। बलिया जाते समय आजमगढ़ के सर्किट हाउस में विश्राम के लिए रुके समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं यह भी कहा कि सरकार की नाकामी के खिलाफ सपा प्रदेश में 9 अगस्त को बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने आजमगढ़ की जनता को धन्यवाद दिया कि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भारी मतों से विजयी बनाया।
सपा प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में अपराध बढ़ गया है, हत्या का दौर शुरू हुआ है और सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। आम जनता में खौफ है, वहीं महंगाई व बेरोजगारी चरम पर है। उन्नाव में रेप पीड़िता को न्याय नहीं मिल पा रहा, उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। यहाँ कानून नाम की चीज नहीं है। सपा के सीनियर लीडर आजम खान को जबरन अपमानित किया जा रहा है। कई बार मंत्री विधायक सांसद रहे आजम पर किताबों की चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है, जबकि उन्होंने तालीम के लिए इतनी बड़ी जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। सपा कार्यकर्ताओं को नाहक परेशान किया जा रहा है। नरेश उत्तम बलिया में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए लखनऊ से जाते हुए आजमगढ़ में रुके थे। उन्नाव की घटना में पीड़ित जो रेप पीड़िता है उसको न्याय नहीं मिल रहा है, उसके साथ उसका पूरा परिवार समाप्त हो गया। पूरा देश इस पर जो है किस तरीके से अपना रिएक्शन दे रहा है, किस यहाँ पर कोई कानून नाम की चीज नहीं है। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता श्री आजम साहब, मोहम्मद आजम साहब को जौहर अली यूनिवर्सिटी जो उन्होंने इतनी बड़ी विश्वविद्यालय बनाया, जानबूझ करके उनको टारगेट करके अपमानित किया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को नाहक परेशान किया जा रहा है। इन सब बातों को लेकर समाजवादी पार्टी 9 अगस्त को पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में आंदोलन करेगी। देखिए, चोरी करके इतनी किताबें, मानी आजम साहब 9 बार के विधायक हैं, मानी आजम साहब यहाँ 4 बार के मंत्री हैं, मानी मोहम्मद आजम साहब पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उनका बेटा MLA है। जनता के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय बनाया है और चोरी का ये आरोप लगाना, उन्होंने जो बयान दिया है आपके सामने, मीडिया के लोगों ने बताया कि वो सारी किताबें उनको डोनेट हुई हैं, वो किताबें लोगों को पढ़ने के लिए हैं, किताबों से लोगों का ज्ञान बढ़ता है, विश्वविद्यालय बनाया है, पूरे प्रदेश के देश के लोगों को वहाँ शिक्षित होने का मौका मिलेगा। इस बात को भारतीय जनता पार्टी इस तरीके साबित कर रही है कि समाजवादी पार्टी के ज़माने में सब गलत हुआ है। समाजवादी पार्टी के समय जितने अच्छे काम हुए शायद ही किसी सरकार में हुए हों, और सरकार का ध्यान, भारतीय जनता पार्टी का ध्यान उत्तर प्रदेश के विकास पर नहीं है। उत्तर प्रदेश विकास अवरुद्ध हो चुका है, लेकिन बीजेपी के लोग जानबूझ करके समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लोगों को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी इन सब बातों को लेकर, समाजवादी पार्टी 9 तारीख को बड़ा आंदोलन करेगी सभी जनपदों में। देखिए, सबसे पहले तो हम आजमगढ़ के लोगों को, समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं को और यहाँ की महान जनता को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को भारी बहुमत से जीत दिलाई। हमारा कार्यक्रम कल बलिया में है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रतिमा का अनावरण है, क्योंकि बीच में आजमगढ़ पड़ता है और मुझे यहाँ रुक करके जाना था, और कल हम बलिया ज़िले में जाएंगे। जहाँ तक आपके प्रश्नों का सवाल है, पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में जनता अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। समाज के हर तबके के लोग दहशत में जी रहे हैं, पूरी तरीके से अफरा तफरी है, चाहे वो महिला हों, नौजवान हों, किसान हों, दुकानदार हों, व्यापारी हों, कर्मचारी हों, इवन दैट पत्रकार हों, पूरे प्रदेश में जंगल राज है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, और पूरे प्रदेश में हत्याओं का दौर शुरू है, हत्याएं हो रही हैं और सरकार उनका संज्ञान नहीं ले रही है। सरकार ऐसी बातों पर ध्यान देती है जिससे जनता की मूलभूत समस्याओं का निराकरण न हो। महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, किसानों का उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सब बातों को भुलाकर केवल अपनी पीठ थपथपाना और समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यों पर अपना टैग लगा करके अपनी पीठ थपथपाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है।
आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना के अंतर्गत आने वाले अबू सईदपुर गांव में पिछले वर्ष 5 दिसंबर की अलसुबह ऑटो रिक्शा में उसके मालिक का शव मिलने का खुलासा पुलिस ने 8 माह बाद कर दिया है। मामले में ऑटो मालिक के दोस्त को ही गिरफ्तार किया गया है। आरोपी दोस्त के पास से मृतक का मोबाइल भी बरामद हुआ है। एसपी त्रिवेणी सिंह ने बताया कि शराब दोनों साथ ही पीते थे और घटना की रात को दोनों ने साथ ही फरिया क्षेत्र में शराब पी और फिर जित्तूगंज की तरफ ऑटो से जाने लगे। फिर अबू सईदपुर में भी उन्होंने शराब पी। इसी दौरान मोबाइल फोन को लेकर विवाद हो गया और आरोपी दोस्त ने आवेश में आकर ऑटो चालक की गला घोंट कर हत्या कर दी। घटना को लेकर जानकारी दी गई कि मृतक ऑटो मालिक अनिल रानी की सराय थाना के सहेगाड़ा गांव का निवासी था और अपना ऑटो खुद चलाता था, जबकि उसका दोस्त दीपक सिंह भी रानी की सराय थाना के रुद्री का निवासी था। पुलिस के अनुसार शव को गंभीरपुर थाना के अबू सईदपुर में लावारिस के रूप में बरामद किया गया था। अभियुक्त के मुंबई पलायन के चलते हत्या की कड़ी को जोड़ने में समय लग गया और फिर आज गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर पुलिया के पास से आरोपी गिरफ्तार किया गया। ये 5 दिसंबर को हुई थी 2018 में, जिसमें गंभीरपुर थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली थी टेम्पो में रखी हुई, तो उसकी शिनाख्त फिर किसी तरह से उसकी शिनाख्त करवाई गई और ये मुकदमा हमारे यहाँ पेंडिंग चल रहा था, इसमें हमारी टीम लगी हुई थी। बाद में आज ये इनकी गिरफ्तारी हुई है, तब पता चला है कि किस बाइनों को दारू पी करके मोबाइल फ़ोन के लेकर के विवाद हुआ था, उसी पे इन लोगों ने इन्होंने गला दबा के उसकी हत्या कर दी थी। 8-9 बजे लग गए खुलासे, हाँ ये अभिवेचना चल रही थी, इस पर कुछ तकनीकी साक्ष्य बाद में मिले हैं, उस पर फिर ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है। ये मुंबई चले गए थे और जाकर के वहीं छुप के रहते थे, बाद में गिरफ्तारी होने पे ये खुलासा हुआ। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में नेहरू हॉल के सभागार में वृक्षारोपण महाकुंभ 2019 के अंतर्गत जोनल पर्यवेक्षक समन्वयक BDO विकास खंड समन्वयक ब्लॉक पर्यवेक्षक सेक्टर मजिस्ट्रेट का 2 चरणों में एक दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इस अवसर पर DM ने कहा कि प्रदेश स्तर पर पौधे लगाने का लक्ष्य 22 करोड़ है तथा जनपद स्तर पर वृक्षारोपण का लक्ष्य 22,80,000 निर्धारित है। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस बार चुनावी पैटर्न पर वृक्षारोपण का कार्य कराया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम वृक्षारोपण दल बनाया गया है। इसके सदस्य ग्राम प्रधान, सचिव, सफाई कर्मी, रोजगार सेवक हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि वन विभाग से नर्सरी प्रत्येक दशा में 7 अगस्त तक गाँव में पहुँच जानी चाहिए। इसकी रिपोर्ट सेक्टर मजिस्ट्रेट खंड विकास अधिकारी को देंगे तथा खंड विकास अधिकारी जोनल मजिस्ट्रेट को इसकी रिपोर्ट देंगे। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को ग्राम वृक्षारोपण दल द्वारा वृक्षारोपण का कार्य एक उत्सव के रूप में किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि 26 जगहों पर शहीदों की याद में स्मृति वन बनाए जाने के लिए चिन्हित किया गया है। इसके लिए उन्होंने खंड विकास अधिकारी तथा ब्लॉक पर्यवेक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि उसका स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। इस अवसर पर CDO आनंद शुक्ला, DFO अयोध्या प्रसाद, PD अभिमन्यु सिंह, PSA देवेंद्र कुमार पांडे सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आजमगढ़ में भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि उन लोगों ने लखनऊ के स्मार्ट वैल्यू नाम की कंपनी की आजमगढ़ शहर में बवाली मोड़ पर स्थित शाखा में 17,750 रुपये प्रत्येक के हिसाब से दिया था। झांसा दिया गया था कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन, नेटवर्किंग का काम सिखाकर जॉब दिलवाएंगे, वह भी सरकारी।
एजुकेशन व काम के बाद तुरंत हफ्ते दो हफ्ते बाद सैलरी भी शुरू हो जाएगी। कंपनी से जुड़े राजेंद्र, वंदना, अभियंका, पूजा गौतम, पूजा साहनी, यशोदा, विपिन आदि बच्चों पर जल्द से जल्द पैसा जमा करने का दबाव डालते थे और गाली गलौज भी करते थे। इंक्वायरी नाम देकर छात्र छात्राओं को अपने साथ अन्य छात्राओं को जोड़ने का दबाव डाला जाता था। कहा जाता था कि महीने में 10,000 रुपये तक आमदनी करने के साथ पढ़ाई भी करेंगे। पैसा नहीं होने पर गहने व अन्य कीमती सामान को गिरवी रखने और फिर छुड़ाने की बात करते थे। खास बात यह थी कि इसमें कमजोर तबके को निशाना बनाया जाता था और उनको जल्द अच्छी कमाई का सपना दिखाया जाता था। शोषण से परेशान बच्चों का कहना है कि वह अब इस कंपनी के साथ नहीं सीखना चाहते, उनका पैसा अविलंब लौटाया जाए। यह भी आरोप था कि करीब 8 से 9 लाख रुपए बच्चों से इकट्ठा कर लिया गया है। एजुकेशन पाने के लिए आई थी, कंप्यूटर एजुकेशन पाने के लिए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद इन लोग मुझे कंप्यूटर एजुकेशन कम, इनवाइटी के लिए ज़्यादा करने लगे। कह रहे हैं कि नया अपने पास अपने पीछे एक लोगों को और जोड़ो, नेटवर्किंग कराने लगे कि अगर आप एक लोगों को जोड़ोगे तो आपको 500 रुपये दिया जाएगा। ये APL LSV PSEL थी, ये लखनऊ से संस्था है, नहीं लखनऊ से संस्था है, इसके मेन ब्रांच के जो सीनियर है उनके नाम है विपिन प्रसाद अग्रवाल। हाँ सर, वो उन लोगों ने हम लोग को मतलब इनवाइट ही किए थे कि आप लोग अगर ऐसा करोगे 17,750 देके आप अगर एडमिशन कराओगे तो आपको कंप्यूटर एजुकेशन मिलेगा और आप साथ साथ इनकम भी कर सकते हो अपने घर पे, मतलब पैसा नहीं ले सकते हो, आप अपने खर्चा खुद से निकाल सकते हो। तो हम लोग भी सोचे कि चलिए ठीक है, हम लोग अपना ले सकते हैं, अपना पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्चा भी निकाल सकते हैं, घर से लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद इन लोगों ने हम लोग को बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया है। मैं अकेले नहीं, मेरे पीछे 300-400 लड़के लड़कियाँ फंसे हुए हैं स्मार्ट वैल्यू में। कम से कम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करके 6-7 लाख रुपए हम लोगों का फंसा हुआ है सर। अभी हम लोग कंप्लेन किए हैं उन लोग के खिलाफ, अभी सर यहाँ पे SP सर से कंप्लेन किए हैं, कोतवाली पे, आजमगढ़ कोतवाली पे कंप्लेन किया गया है। हम लोग बोले कि हमको हमारा पैसा रिफंड करवा दीजिए, तो बोले ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पैसा आप लोगों को मिल जाएगा आपका। सर मुझको इनवाइटी की, मैं मतलब ये गई हमारे घर मोटिवेट करने, मोटिवेट करके हमारे मतलब गाना अपने हाथ से रखे नथिया और मंटी का। फिर उसके बाद सर ये लोग कहीं कि हर महीने तुम्हें 10,000-5,000 मिलेगा, पूजा गौतम का ही, मेरे घर जाकर। मेरे पापा नहीं हैं, ये मेरे पापा 4 साल पहले इंस्पायर हो गए हैं, तो हम सोचे चले ठीक है कोई मत नहीं, हमारे पापा नहीं है, कम से कम हम कुछ कर लेंगे, बोली पढ़ाई भी कर सकती हो और पैसा भी कमा सकती हो, हम सर उसी के मतलब उत्थम करें। इसके बाद ये लोग मतलब ज्वाइनिंग करवा ली सर जी, हमारा गिरवी बंधक रख दिए थी और मेरी शादी टूट गई थी सर जी, और हम स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइनिंग किए थे जबकि हमें एजुकेशन को लेकर बताया गया था, और हम जब इसमें एडमिशन लिए तो सर एजुकेशन नाम का कुछ था ही नहीं, और हम इसमें जब ज्वाइनिंग किए तो 14,750 देकर हमारा एडमिशन हुआ था, और ज़बरदस्ती हमारा गिरवी और मतलब ये सब रखवाया गया था। वहाँ पर हमारे साथ वो लोग बोले कि तुम्हें 10,000 महीने मिलेंगे तनख्वाह और तुम अपना खुद की पढ़ाई कर सकोगी और अपना पैसा खुद से मैनेज कर सकोगी, जबकि उसमें हम जाने के बाद केवल इनवाइट ही करवाते थे सब घूम कर। लखनऊ इसका ब्रांच है, यहाँ पर विनायक हॉस्पिटल के पास इसके ऑफिस चलते हैं कोलघाट में। 8-9 लाख तक। वही कंपनी की एक महिला कर्मचारी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर लीपापोती करने की कोशिश की लेकिन छात्र छात्राओं के दबाव के बाद भाग खड़ी हुई। जिसका कुछ अमाउंट हम लोग लेते हैं, हम लोग एक जरिया है इंस्टीट्यूट के संस्था के माध्यम से, हम लोग बच्चों को मार्केटिंग लेवल पर बच्चों को अपना एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू बच्चे एडमिशन लेते हैं, रसीद मिलता है, रसीद के साथ कितना एडमिशन मिल लगती है, एडमिशन का टोटल हम लोग का कई डिपॉजिट है, जैसे कि स्मार्ट कॉमर्स कोर्सेज हम लोग लेते हैं तो स्मार्ट कॉमर्स कोर्सेज का 17,000 लिया जाता है, 15,000 IT स्मार्ट का लिया जाता है,
और बाकी सारे ऐसे कोर्सेज हैं हम लोग का। इन लोग का आरोप है कि जिनके पास पैसा नहीं है उनको गुमराह करके उनके परिवार वालों को इस तरह का तुम जेवर और भी गिरवी रखा ले रही हो। कोई जबरदस्ती नहीं करता, हम लोग का फर्ज है समझाना। हम लोग समझाते कि ये आपका लड़का कोर्स कर ले। आज आपको पता होगा आईटी का डिमांड सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड है, आज सबसे ज्यादा कंप्यूटर डिमांड है। हम लोग वही एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, इंडस्ट्री के मिशन पर वर्क करते हैं और वही चीज समझाने की कोशिश करते हैं कि आप कोशिश करोगे तो यहाँ से कोई भी सेक्टर हर फील्ड में अपने आप को डेवलप कर सकते हो। वही बंदा समझता है, उनके गार्जियन जनता ने जिसे चुना अब उसी के विरोध में लामबंद हो गई है। जी हां, उन्नाव रेप कांड को लेकर विधायक कुलदीप सेंगर के प्रति आवाम का आक्रोश सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। शुक्रवार को सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल ने कुलदीप सेंगर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनके प्रति पुतले को कलेक्ट्रेट चौराहे पर जल्लाद के हाथों सरेआम फांसी दी। संगठन के जिला अध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि हर बलात्कारी को फांसी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे विधायकों को पार्टी से तुरंत निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। ये आपके उन्नाव कांड के जो विधायक थे कुलदीप सेंगर, जिनसे एक परिवार पूरा खत्म हो गया, ऐसे विधायक को न्यायालय तो सजा देगी, लेकिन भारत सत्ता दल परिवार की मांग है कि इनको फांसी की सजा दी जाए। और यह सभी पार्टियों से हमारी मांग है, जो भी ऐसे विधायक और सांसद हैं उनको तुरंत निष्कासित करें और इन लोगों की सजाएं, मौत जिस दिन होगी तभी समझ लीजिए सिस्टम हमारा जो है, जो भ्रष्टाचार का सिस्टम है, जो ये लोग इतना उत्पात कर देते हैं, अपने शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, तभी यह खत्म हो पाएगा। और ये हमारी मांग है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी को तो बहुत अच्छा जानता था, लेकिन कैसे यह 2 साल से उनके पार्टी में रह चुका है, बड़ी शर्मनाक बात है। मैं ऐसे माननीय लोगों से कहूँगा कि जो भी पार्टी में गंदे लोग हैं उनको निकाला जाए, बर्खास्त किया जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए। विद्या के मंदिर कहे जाने वाले विद्यालयों में गंदगी की अपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन जिले के प्रतिष्ठित महाविद्यालय डीएवी पीजी कॉलेज में गंदगी व्याप्त होने की शिकायत को लेकर महाविद्यालय के छात्र नेताओं का विरोध मुखर हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के बावजूद महाविद्यालय में गंदगी की शिकायत आश्चर्यचकित करने वाली रही। शुक्रवार को कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष तरुण यादव के नेतृत्व में महाविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए कॉलेज परिसर व शौचालयों में व्याप्त गंदगी के खिलाफ आवाज उठाई। छात्र संघ अध्यक्ष तरुण यादव ने बताया कि कॉलेज में गंदगी का अंबार लगा है, शौचालय गंदे पड़े हैं। सूचना शिकायत के बावजूद कॉलेज प्रशासन उदासीन बना हुआ है। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय में गंदगी का अंबार तो है ही, छात्र छात्राओं को पीने के लिए स्वच्छ पेयजल भी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रशासन को 2 दिन की मोहलत दी गई है, अगर इस बीच भी समस्याओं का निराकरण उनके द्वारा नहीं किया गया तो छात्र बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आज हम लोग कॉलेज में व्याप्त जो गंदगी है, जो कि कॉलेज 10 जुलाई से कॉलेज चल रहा है, सारी क्लासेस चल रही हैं, पर अगर आप कॉलेज में जाके देखेंगे तो गंदगियों का अंबार लगा हुआ है। बॉयज़ का जो प्रशासन है वो भी नहीं साफ़ सुथरा है, न गर्ल्स का साफ़ सुथरा है, पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं कॉलेज में। कॉलेज प्रशासन से हम लोग इसकी 10 जुलाई को ही मांग की थी कि कॉलेज से खुलने से पूर्व ही सारी चीज समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाए, पर कॉलेज प्रशासन इस पर मौन रहा। 2-3 बार हमने और भी कोशिश की कि उनको इन बातों से अवगत कराया जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने हम लोग की बातों को नहीं सुना, नहीं हम लोग की जो भी समस्या उस पर कोई कार्रवाई की। इसके लेकर आज हम पूरे छात्र संघ के जो पदाधिकारी है, समस्त छात्र छात्रा इस बात को
लेके आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि अगर सोमवार के तक अगर हम लोग के सारी समस्याएं नहीं सॉल्व हुई, नहीं निस्तारण किया गया